हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल योयो अमरोही में। मैं फिरोज अमरोही आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि इस टाइम जो है सर्दियों का मौसम जो है स्टार्ट हो चुका है, तो इस मौसम में हम अपने कबूतरों को कौन सा दाना खिलाएं। जी हाँ दोस्तों, किस तरह का दाना हमें खिलाना चाहिए ताकि कबूतर को ठंड ना लगे और बच्चे अच्छे से पालें कबूतर और अच्छे से मतलब एकदम से फुर्तीला कबूतर बन जाए। तो हमारे पास ये कई प्रकार के दाने हैं जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा मिक्स करके और किस कितनी क्वांटिटी में कितना दाना खिलाना चाहिए, ये सभी इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो आइए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये अभी हमारे पास चार प्रकार का दाना है। ये देखिए, एक ये है हमारे पास बाजरा, ये देखिए देसी बाजरा है, ये बाजरा है। और ये है हमारे पास चना, ये देख सकते हैं दोस्तों बारीक वाला चना है ये। और ये है कटी हुई मक्का, ये देखिए ये कटी हुई मक्का है। और ये सर्दियों के लिए सबसे मेन चीज ये है अकला, देख सकते हैं दोस्तों अकला और बाजरा, ये बहुत ही फायदेमंद चीज़ है सर्दियों के लिए। और ये चने और मक्का जो है इसलिए फ़ायदेमंद है ताकि कबूतर जो बच्चे निकालते हैं, बच्चे जो होते हैं इनके, तो इससे ग्रोथ अच्छे करते हैं। बच्चे जो होते हैं तो बड़े बड़े होते हैं और इससे जो है मतलब बच्चों का पेट एकदम जो है भर जाता है। तो ये इसके अंदर आप जो है मिक्स कर सकते हैं, गेहूँ भी मिक्स कर सकते हैं। ये अभी तो हमारे पास चार दाने हैं, हमारे पास 2 किलो बाजरा है। अब मैं इसको बाजरे को निकाल लेता हूँ इसके अंदर। ये मैंने अभी धोया नहीं है, इसको आप धो के भी रख सकते हैं। साफ है बाजरा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, एकदम देसी बाजरा है। और मक्का है हमारे पास 1 किलो मक्का है। दो किलो बाजरा, 1 किलो मक्का और ये आधे किलो चने हो गए हैं हमारे पास, देख सकते हैं। और ये आधे किलो अकला। ये सर्दियों के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन दाना है दोस्तों। सर्दियों में हम अपने कबूतरों को यही खिलाते हैं, तो आप भी जो है इसी तरह का दाना अपने कबूतरों को खिला सकते हैं। बहुत ही अच्छे से इनके बच्चे पलते हैं और उड़ने में भी बहुत अच्छे हो जाते हैं कबूतर। ये देखिए गाइस, इस तरह से अच्छे से आप इसको मिक्स कर सकते हैं। ये अभी चार तरह का दाना है इसके अंदर, अभी आप और गेहूं भी ऐड कर सकते हैं। गेहूं अपने हिसाब से जो है कितनी भी क्वांटिटी में रख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये चार तरीके का दाना बनके इस टाइम तैयार हो गया है और देख सकते हैं गाइस, ये हमारे कबूतर हैं और मैं इनको खिला के दिखाता हूँ आपको। देखिए ये देखिए दोस्तों, चार तरह का दाना इस टाइम बनके तैयार हो गया है। देखिए कितना दाना भी कितना खूबसूरत लग रहा है और कबूतर भी बहुत अच्छे से इसको खाते हैं, देख सकते हैं इधर को कबूतर कितने शौक से कबूतर इसको खाते हैं और खाने के बाद अपने बच्चों को अच्छे से पेट भरा के आते हैं ये। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की आप भी जो है दाना अपने घर पर बना सकते हैं और जो भाई भी इस तरह का दाना खिलाते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें कौन कौन इस तरह का दाना खिलाता है। तो गाइस, हमें जो है आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए और फेसबुक पर फॉलो करने के बाद स्टार्स से हमारी जो है हेल्प कर सकते हैं। तो तब तक के लिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।